नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज और अच्छी खबर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के सब्जेक्ट के रिजल्ट को लेकर के। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, काफ़ी समय हो चुका है आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 पेपर एग्जाम हुए। इसके अलावा जो है ग्रुप ए का और ग्रुप बी का जो पेपर है, पेपर लीक प्रकरण को लेकर के एसओजी की पड़ताल, ईडी की पड़ताल और गहन जांच के आधार पर आरपीएससी को जो है रद्द करना पड़ा और उसकी एग्जाम डेट जो जीके का पेपर था उसकी इसी माह में 30 जुलाई को होने वाली है। लेकिन जो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के सब्जेक्ट हैं उनको रिजल्ट को लेकर के आज की बहुत बड़ी अपडेट आरपीएससी की ओर से। जी हाँ, अच्छे संकेत मिले हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी सब्जेक्ट के रिजल्ट को लेकर के। तो इस वीडियो के तहत आपको बताएंगे आखिर इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। बड़ी अपडेट आज की आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 रिजल्ट को लेकर के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार और आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 ग्रुप सी एंड ग्रुप डी सब्जेक्ट के रिजल्ट को लेकर के आरपीएससी की ओर से क्या अपडेट आई है उसकी जानकारी के लिए। या दोस्तों, उसकी अपडेट आपको बताई जाएगी। उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपको वीडियो की स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं एसआई भर्ती एक ही जिले से सो चयनित आयोग के पूर्व मेंबर रायका के बेटा बेटी भी। देख सकते हैं यहाँ पर जो है एसआई भर्ती 2021 से संबंधित भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट बताई जा रही है। उसके बाद में आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती रिजल्ट को लेकर के भी अपडेट बताई जाएगी। जी हाँ, जिले का नाम ही नहीं होने से सस्पेंस, लिस्ट में अभ्यर्थी और पिता का नाम ही शामिल, 795 की मेरिट जारी। ये देख सकते हैं जो है आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति अनुशंसा भेज दिया है। चयनित 795 अभ्यर्थियों में आयोग के पूर्व सदस्य राम रायका के बेटा बेटी भी शामिल है। यह परीक्षा पहले ही विवादित रही है। अब ये नाम और सामने आने के बाद इसकी पारदर्शिता व गोपनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय को भेजी गई सूची में स्थानों के नाम नहीं है, लेकिन अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, कैटेगरी और मेरिट जारी की गई। इसमें टॉप 10 में से 5वें नंबर पर राम रायका की पुत्री शोभा और लिस्ट जो है इस 37 नंबर पर रायका के पुत्र देवेश का नाम शामिल है। ये देख सकते हैं बॉडी अपडेट, आप पूरी अपडेट इसमें जान सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी जाति विशेष व एक ही जिले से 100 से अधिक अभ्यर्थी इस मेरिट में शामिल है, लेकिन अभ्यर्थियों के नाम के आगे जिला नहीं होने से फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो रही है। चर्चा यही है कि यह सभी अभ्यर्थी एक ही जाति विशेष और एक ही जिले के हैं। आरपीएससी इस मामले में खामोशी जो है अख्तियार किए हुए हैं। रोल नंबर भी नहीं, केवेट दाखिल हो चुकी है, 1 जून को जारी किया था इसका परिणाम, परीक्षा के इंटरव्यू का परिणाम 1 जून को जारी किया था। अब देख सकते हैं पूरी अपडेट इसमें दी हुई है। अब आपको ले चलते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 ग्रुप सी और ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर वीडियो के स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, पूरी अपडेट दी जाएगी। सेतु आरपीएससी ग्रुप सी के चारों विषयों के पेपर हुए, 6.5 माह बीत गए, अभी तक आयोग ने जारी नहीं किया परिणाम। देख सकते हैं वरिष्ठ शिक्षक ग्रेड सेकंड, जी हाँ, ग्रुप सी के 4 विषयों का परिणाम जारी होने पर मिलेंगे 5048 शिक्षक। देख सकते हैं पूरी अपडेट बताई जाएगी आज की सेतु। राजस्थान लोक सेवा आयोग वर्ष 2022 की सबसे बड़ी परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड 2022 के परिणाम जारी नहीं कर रहा है। आयोग इस परीक्षा के ग्रुप सी में शामिल विज्ञान सहित 4 विषयों के ही परिणाम जारी करे तो प्रदेश के स्कूलों को 5048 शिक्षक मिल सकते हैं। जानते हैं आगे अपडेट इस हेतु। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के कुल 8 विषयों के 9760 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। जैसा कि आपको पता होगा टोटल 9760 पदों पर यह है भर्ती हुई है, इसकी एग्जाम जारी है, प्रोसेस जारी है। आयोग ने ग्रुप सी में विज्ञान
संस्कृत, गणित और पंजाबी विषय को रखा। संस्कृत में सबसे अधिक 1800 पद, विज्ञान में 1565, गणित में 1613 और पंजाबी में 70 पद है। जैसा कि आपको पता होगा, आयोग ने चारों विषयों में शामिल अभ्यर्थियों के लिए जीके की परीक्षा का आयोजन जो कि 24 दिसंबर 2022 को किया था, लेकिन परीक्षा से पूर्व ही सुबह 8:30 बजे पेपर लीक हो गया था और आयोग ने इस पेपर की परीक्षा रद्द कर दी। बाद में आयोग ने ग्रुप सी के जीके की स्थगित परीक्षा को 29 जनवरी 2023 को ग्रुप सी व डी के नाम से आयोजित किया। या जैसा कि पता होगा, इसका भी जो है पेपर रद्द हुआ था, लेकिन बाद में 29 जनवरी को इसका जो है एग्जाम हुआ था। यानी आयोग ग्रुप सी व डी का परिणाम घोषित करने की स्थिति में है। जी हाँ, बड़ी अपडेट बताते हैं आपको। और इस हेतु इन विषयों के लिए हो रही भर्ती, ये भी जान सकते हैं, आपको बताया जा रहा है। इन यहाँ पर देख सकते हैं, इन चार विषयों के अलावा अंग्रेजी के 1668, हिंदी के 1298, सामाजिक विज्ञान के 1640 और उर्दू के 106 पदों पर भर्ती है, ये देख सकते हैं। अब आपको अपडेट बताते हैं आज की। जी हाँ, क्या कहा है आशुतोष जी गुप्ता, संयुक्त सचिव आरपीएससी अजमेर, उनकी ओर से। आयोग की कोशिश है कि वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड प्रतियोगी परीक्षा 2022 के परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है, तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी प्रोसेस चल रही है। और आज काफ़ी दिनों के बाद में जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर के आरपीएससी की ओर से कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। तो आशा कर रहे हैं दोस्तों कि इस भर्ती का जो रिजल्ट है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो सब्जेक्ट हैं उनका रिजल्ट शीघ्र जारी होगा। आज की बड़ी अपडेट और अच्छे संकेत है आरपीएससी की ओर से। स्वयं आशुतोष जी गुप्ता संयुक्त सचिव, उन्होंने कहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आरपीएससी और शिक्षा विभाग जल्द से जल्द जो इन सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी करें, जिससे कि बेरोजगार अभ्यर्थियों को आचार संहिता से पहले पोस्टिंग मिल सके। दोस्तों आज की यही अपडेट है। जैसे ही दोस्तों इन सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी होगा, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर जानकारी दी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसे तो भी सूचित किया जाएगा। तो आज की यही अपडेट है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर अभी नहीं है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों शिक्षा विभाग की हर प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करें, हर प्रकार की अपडेट हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले दी जाती है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।